हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करी एक और ग्रीन लीफी वेजिटेबल रेसिपी, चौलाई भाजी। चौलाई भाजी की कई ज़्यादा फायदे हैं, जैसे कि इसमें विटामिन ए है, सी है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, जिससे मौसमी बीमारियों से हमारी रक्षा तो होती है, साथ ही हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है। तो चौलाई भाजी इस तरीके से होती है, हमें चौलाई भाजी के पत्ते और इसकी जो सॉफ्ट डंडियां हैं उन्हें यूज़ करना है, और जो थोड़े से हार्ड है उन्हें तोड़कर अलग करना है। और हमें भाजी खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एकदम फ्रेश और जिसके पत्ते छोटे हैं उसी को खरीदना है, जिसमें दाग हो या जिसके पत्ते पीले हो उस तरीके की भाजी को हमें नहीं खरीदना है। और ये 1 किलो भाजी है। अब मैं इसको धो के अच्छे से साफ करूँगी। अब ये भाजी को मैंने अच्छे से पहले धो लिया था, उसके बाद छोटे टुकड़ों में काट कर मैंने इस तरीके से छन्नी में डाल के रख दिया है। यहाँ पे मैंने पतली वाली डंडियों का यूज़ किया, आप चाहो तो सिर्फ पत्तों से भी सब्जी बना सकते हैं। और उसके अलावा ये है 1 बारीक कटा प्याज, करिया पत्ती, 1 हरी मिर्च, 1 टमाटर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर, जीरा, सरसों, 1/2 स्पून हींग, अदरक लहसुन का पेस्ट है और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। अभी सबसे पहले मैंने रखा है पैन, उसमें डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सरसों, 1/4 टीस्पून हींग और करिया पत्ती डालकर मैं इसे हल्का मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 बारीक कटा प्याज। प्याज डालकर हम इसे हल्का भुनेंगे। ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनती है, बहुत ही कम मसालों में मैंने बनाया है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने 1 डाला है क्योंकि मैं इसमें 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो हरी मिर्च या मिर्च पाउडर दोनों में से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपको नहीं पसंद है, एकदम सिंपल आप इसे बनाना चाहते हो, तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट स्किप कर सकते हैं। अभी प्याज हल्का भुन गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ चौलाई भाजी। चौलाई भाजी डाल के हम लोग इसे थोड़ी देर ढक के पकाएंगे, क्योंकि अभी चौलाई भाजी की क्वांटिटी ज़्यादा है। चौलाई भाजी 1 किलो है। अब कढ़ाई में डालते साथ आप देख सकते हैं कढ़ाई एकदम भर गई है, तो हमें मिक्स करने में प्रॉब्लम होगा। इस वजह से इसे ढक कर हम लोग मीडियम हाई फ्लेम पे 2 या 3 मिनट तक पकाएंगे, ताकि स्टीम से भाजी पक के नीचे बैठ जाए। अभी मैंने ढक के इसे अराउंड 3 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे पकाया है। आप देख सकते हैं भाजी स्टीम से पक गई है और नीचे बैठ गई। अब मिलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चौलाई भाजी मधुमेह में, मतलब जिसको डायबिटीज़ है उनके लिए, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है उनके लिए, जो वज़न कम करना चाहता है उनके लिए, सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। और साथ ही इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसे ढक के मैं 2-3 मिनट और पकने दूंगी मीडियम हाई फ्लेम पे। अभी मैंने इसे अराउंड 3 मिनट तक और पकाया है। हमारी भाजी ऑलमोस्ट पक गई है, बट पूरी तरीके से नहीं पकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। यहाँ पे मैंने हल्दी और मिर्च के अलावा और मसाले नहीं यूज़ किए, आप चाहो तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बारीक कटा टमाटर। टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स करके इसे मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि टमाटर पूरी तरीके से गल नहीं जाता है और भाजी अच्छे से पक नहीं जाती है। अगर आपको टमाटर नहीं पसंद है तो आप आधा नींबू भी निचोड़ सकते हैं। अब मैंने इसे मिक्स कर लिया, ढक के मैं इसे अराउंड 3 मिनट तक और पकाई। 3 मिनट बाद सब्जी काफ़ी अच्छे से पक गई है। इसे आप स्टीम राइस, रोटी किसी के भी साथ सर्व करो, सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब आप देख सकते हैं सब्जी टेस्टी और यम्मी लग रही है। अब आप भी ये हेल्दी चौलाई भाजी ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।